गर्गाचार्य जी सोचने लगे, क्यों गर्गाचार्य जी सब जानते थे कि यह देवकी का पुत्र है। अब मैं यदि नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता लग जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। कहने लगे महाराज मैं यहां नामकरण संस्कार नहीं करूंगा तो कहां खिरक में ले चलो गुप्त रूप से, क्योंकि विचार कर रहे हैं कंस पाप मति सख्यम श्री कंस पाप मति सख्यम तव चानक दुंधुवे देवक्याम अष्टमो गर्भो ना कन्या भवि तुम अर्हति। कंस को तो पहले ही भ्रम हो रहा है कि देवकी के आठवीं संतान कन्या तो नहीं हो सकती, और यदि मैं नामकरण कर दूंगा तो उसको तो और भी ज्यादा भ्रम हो जाएगा। तो प्रेमियों खिरक में जाकर के नामकरण संस्कार किया है, पहले बड़े का अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी जी का पुत्र है बड़ा पुत्र, इनका नाम तो क्या होगा रमयन श्रुयदो गुणई आख्याचते राम इति बलाधिक्याम बलम विदुहो। इनका नाम होगा राम, लेकिन इनमें बल अधिक होने के कारण इनको बलराम नाम से जाना जाएगा। और आसन वर्णाश्रयो गृहत्यो अनुयुगंतनो शुक्ल रक्त तथा पीत इदानिम कृष्ण तौ गते। जो युग युग में अलग अलग वर्ण धारण करता है, जो सांवर यह इन्होंने कभी देवकी के यहाँ पर भी जन्म लिया है, इनको देवकी नंदन के नाम से भी जाना जाएगा। यशोदा जी के जन्म लिया है तो यशोदा नंदन भी कहेंगे, नंद के लाल है तो इनको नंदलाल भी कहा जाएगा। और भी कई नाम होंगे इनके, असंख्य नाम होंगे, इसलिए नंद राय जी इनका नाम एक सांवली होने के कारण इनको सांवरी सरकार भी कहेंगे, कृष्ण भी कहेंगे, अनेकों नाम दिए हैं। और संस्कार करके और प्रेमियों अब यहां से गर्गाचार्य जी विदा लेते हैं।